हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. और गुड मॉर्निंग तो नहीं, क्योंकि अभी हो गया है गुड आफ्टरनून. और जैसा कि वीकेंड है और कल हमने स्टार्ट किया था एक न्यू सीरीज द सर्पेंट, तो उसको देखते देखते बहुत लेट हो गई थी. रात को 3:30 बज गया था, तो हम 3:30 बजे सोने गए और इसलिए आराम से आज वीकेंड का पूरा मज़ा लिया है और आराम से सो के उठे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ हड़बड़ी नहीं था उठने का, कुछ काम नहीं था. सो इसलिए हम आराम से आज इंजॉय करके उठे. और अभी कुछ बज रहा है 12:45 और हमने अभी अभी जस्ट अपना ब्रश वगैरह फिनिश किया है और अभी सूरज बना रहा है ब्रेड एंड ऑमलेट और मैं बनाऊंगी चाय. और एक चीज़ और, अभी आया फ़ोन हमें पार्सल वाले का कि नीचे हमारा कुछ पार्सल आया हुआ है, तो अभी सूरज और ब्राउनी गए हैं उसको पिकअप करने. तो ठीक है, देखते हैं, मिलते हैं आपसे, आप सब से, और देखते हैं आज हम क्या प्लान करते हैं. सो वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद प्रियंका, और बने रहो आप हमारे साथ दिन भर और देखो कि हम आज क्या क्या प्लान करते हैं. तो सूरज और ब्राउनी जा रहे हैं नीचे पार्सल पिकअप करने और ब्राउनी का हाल कुछ ये है. और ये पार्सल का नाम सुनते ही जैसे ही फ़ोन आता है ये पागल हो जाती है, क्योंकि इसको पता है कि ये लोग नीचे कुछ लेने जा रहा है, पार्सल लेने जा रहा है, तो मुझे भी लेके चलो. तो ये चीज़ इसका फिक्स है कि पार्सल, हर पार्सल में ब्राउनी को जाना है, वो बड़ा पार्सल हो या छोटा पार्सल हो, एक पार्सल हमारे साथ जाता है दूसरा पार्सल लेने. कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? नहीं जाना है, नहीं जाना है तेरे को, नहीं जाना है. कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? बाय करो, चलो लेके आओ जल्दी से, ठीक है? तो ये आ गया है सूरज और ब्राउनी और पार्सल साथ में है, तो ओपन करते हैं डोर. हेलो, आजा आजा, अले बाव पार्सल लेके आया. बाव को भी कुछ पकड़ा दिया करो. और यहाँ पे इसको डांट पड़ रही है अगेन, क्योंकि ये अपना दूध नहीं पी रही है, अपना खाना नहीं खा रही है. वहाँ पे इसको चाहिए मेरे ख्याल से काजू, और अभी मैं इसको जब काजू दूंगी तो ये काजू चप चप करके खाने लगेगी. चढ़ गई है मेरी चाय और यहाँ पे सूरज वेजिटेबल चॉप कर रहा है ऑमलेट ऑमलेट के लिए. ये आ रहे हैं नाश्ता लेके. नाश्ता क्या, एक्चुअली ये होने जा रहा है हमारा ब्रंच. क्या रेडी है ब्रंच हमारा? अरे वाह, पति ने बनाया नाश्ता, पति ने बनाया अच्छा नाश्ता. आज बनाया है पति ने नाश्ता, कितने साल बाद? एक दिन, हाँ साल मतलब कल अगर हो जाएगा साल बाद होगा, बट एवरीडे. भी आंटी आई है हमारे घर की सफाई करने और ब्राउनी तो एकदम पीछे ही लग जाती है. इसको एक्चुअली है कि हमारे यहाँ रोज़ बदल बदल के आते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है कि सेम मेड ही आ रहे हैं, तो दो तीन हैं जो बदल बदल के आते हैं, तो ब्राउनी एकदम एक्साइटेड हो जाती है देख के. और आज ये जल्दी आ गई. चुकमुक ना मोई, चुकमुक ना मोई. सो मैं इनको विश कर रही हूँ हैप्पी न्यू ईयर इन वियतनामीज लैंग्वेज, तो इसलिए वो थोड़ा हंस रही हैं कि मैं, पता नहीं मेरी प्रोनंसिएशन ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है. तो सफाई पूरी फिनिश हो चुकी है और बर्तन धुल गए हैं सारे, आंटी जा चुकी हैं ऑलरेडी. तो यहाँ आ गया है खजूर डेट्स. ओके, तो सर्दियों में हमने एटलीस्ट ये रखा है कि हम दिन में कम से कम एक, दोनों लोग डेट्स ज़रूर खाएंगे. बॉडी पे काम करना ज़रूरी है और हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, बट ये कुछ अच्छी हैबिट्स है छोटी छोटी जो कि हम रूटीन फॉलो कर रहे हैं इसका. तो यस, और आज का डेट मैंने सूरज को दे दिया है और अब मैं भी खा लेती हूँ. ये किसका है, ये किसका है? ये तुमने और तुम्हारे पापा ने, दोनों ने छुपा के रखा मेरे से. अभी ये देखो आप, कल ये पार्सल आया था और सूरज इतना बिजी हो गया, मैं इतनी बिजी हो गई कि सूरज मेरे को ये दिखाना भूल गया. तो अभी मैं इसके ड्रेसेस फाइनली देख रही हूँ, इसके ड्रेसेस जो कल आए थे. और ये बहुत ही प्यारी फ्रॉक आई है. हम अभी तक ब्राउनी के विंटर्स के कपड़े मंगवा रहे थे, बट अभी इसका बर्थडे आने वाला है तो बर्थडे के लिए अभी इसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं. तो ब्राउनी को ये बहुत ही प्यारी सी पर्पल कलर की फ्रॉक मिली है. आप पास में आओ, मैं आपको ये दिखाती हूँ. ये नीचे नेट है और ऊपर ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे फ्लावर्स बने हुए हैं और ये बहुत, सच में बहुत प्यारी लग रही है. मैं इसको पहनाऊंगी एक दिन.
और ये सेकेंड है ब्राउनी की जो सिंड्रेला टाइप क्यूट सी फ्रॉक है, मतलब इसकी बड़ी होती और मेरे को अटती ना तो बड़ी पहन लेती कसम से, बहुत बहुत प्यारी। और ये कपड़ा मटेरियल भी मुझे अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा बट गर्मी में पहनेगी तो शायद अच्छा लगेगा, अभी विंटर्स के लिए नहीं है। और इसकी कितनी प्यारी सी बाव है ये उसका, बहुत ही बहुत सुंदर है। और सेकेंड चीज की मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ कि एक्चुअली ये सूरज का ही प्लान था और उसी की क्रिएटिविटी है कि उसने बोला कि हम ब्राउनी के लिए भी एक वार्डरोब बनवाएंगे, और हमने ब्राउनी के लिए एक प्यारा सा छोटा सा वार्डरोब बनाया हुआ है जहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके कपड़े कैसे टंगे हुए हैं। तो फाइनली यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग को ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, और अभी सूरज और ब्राउनी रेडी हो रहे हैं बस, तो जैसे ही रेडी होते हैं हम निकलते हैं बाहर। वो यहाँ पे फाइनली हम दोनों तैयार हो चुके हैं और फाइनली ब्राउनी तैयार हो रही है अभी, क्योंकि हम लोग निकलने जा रहे हैं और अभी निकल रहे हैं, 5:30 बज रहा है, 5:30 बजे हम लोग निकल रहे हैं और शाम को अभी जाएंगे हॉर्न की मेरिया में कुछ इवेंट्स हो रहा होगा और 31st नाइट है, तो 31st नाइट को ऑब्वियसली इवेंट होगा, तो उस साइड जाते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सी प्लेस अच्छी लगती है, किधर हम बैठते हैं। तो निकलते हैं अभी और मिलते हैं आप सबको, घुमाते हैं आप सबको हॉर्न की मेरिया। ये 4th लेयर ऑफ जैकेट, ठंड से बचने की तैयारी। ब्राउनी का भी 2 है। पहुंच गए हम लोग हॉर्न की एरिया और थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हो रहा है, तो अभी जा रहे हैं अंदर और देखते हैं कि क्या है आज यहाँ पे सीन। और अभी हम लोग निकले तो हम लोग को ऐसा फील हो रहा है कि ठंड ज़्यादा है ब्राउनी के लिए, तो अभी क्या करेंगे, अभी ऐसा कुछ प्लान है कि अभी हम लोग थोड़ी देर घूमेंगे ब्राउनी के साथ और फिर उसको हम लोग घर पर छोड़ेंगे एंड देन मैं और सूरज वापस आएंगे यहाँ पे। वो आ रहे हैं सूरज और ब्राउनी, और यहाँ पे तो मुझे लगता है कि ब्राउनी सूरज को लेके आ रही है, सूरज ब्राउनी को नहीं लेके आ रहा है, इतनी एक्साइटेड होती है ये, और इसको हर जगह आगे आगे जाना है, इसको सारे रास्ते पता है, इसको हर जगह आगे आगे जाना है एकदम। तो ये है अभी कुछ हॉर्न की एरिया का नज़ारा, और जैसे जैसे अभी रात होगी वैसे वैसे यहाँ पे एक्टिविटीज शुरू हो जाएगी, बिकॉज अभी हम बहुत अर्ली आए हैं, अभी यहाँ पे सिर्फ 6 बज रहे हैं और यहाँ पे आपको वो डीजे की लाइटिंग्स दिखाई पड़ रही होगी, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम हो रहा है जो कि अभी हम जाएंगे वहाँ पे, तो आपको दिखाते हैं कि क्या है चीज़ें वहाँ पे, क्या हो रहा है। और यस, यहाँ पे फुल नाइट आज प्रोग्राम चलेगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ शो होता रहेगा, तो एक इस तरफ हो रहा है और एक जस्ट मेरे बैक साइड में वहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 2 शोज हैं जो कि रात को सब यहाँ पे इंजॉय करेंगे। मिल गए हैं ब्राउनी को कुछ उसके चाहने वाले, और ऐसे ही स्ट्रेंजर्स इतना उसको प्यार करने लगते हैं जब हम उसको रास्ते में लेके निकलते हैं, तो दे जस्ट आस्क कि क्या हम इसके साथ 2 मिनट खेल सकते हैं, और वो अभी खेल रहे हैं ब्राउनी के साथ। ये हॉर्न की मेरिया में मुझे बेस्ट चीज़ लगती है, यहाँ पे चल रही है पोर्ट्रेट, और कुछ टाइम पहले मैंने और सूरज ने भी यहाँ पे ही बैठ के पोर्ट्रेट बनवाया था अपनी, मैं आपको घर जाके ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ से जो लेक का व्यू आ रहा है दैट इज़ लाइक स्टनिंग, अमेजिंग, आप देख सकते हो यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही प्यारा फील आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे साइड बाई साइड बहुत सारे प्लांट्स, फ्लावर्स, रोजेस लगे हुए हैं, और ये पूरे साइड पूरे एरिया में है ऐसा, और बीच में लाइटिंग, और आप यहाँ पे साइड में बहुत लोग बैठते हैं यहाँ पे, तो आप बैठ के यहाँ पे आराम से लाइक अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। और
और यहाँ पे लगे हैं छोटे छोटे स्टॉल्स और प्यारे प्यारे डेकोरेशन के आइटम्स। तो इसी लेन में ये परमानेंट रहता है एक्चुअली, तो आप जब भी आओगे यहाँ पे ये चीज़ आपको हमेशा देखने को मिलेगी। ये पूरी परमानेंट है कि हॉन्टिंग एरिया में ये एक छोटा स्टॉल का सेक्शन है, एक अनदर सेक्शन इज ऑल्सो देयर, लेकिन ये एक छोटा सेक्शन। और अभी ये टाइम हो रहा है 8:30 और मैं आपको कुछ भीड़ दिखाती हूँ, क्राउड आप देखो, मतलब अभी तो ये हाल है और अभी तो पूरे पूरे 3-4 दिन आज बाकी है, तो क्या होने वाला है यहाँ पे है अनदर सेलिब्रेशन ओवर हियर। और यहाँ पे आप लाइन्स देखो, ये इतनी दूर से ही शुरू है और अभी ये सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं बिकॉज आई थिंक कि अंदर ही या तो टिकट लग रहा है जाने के लिए या तो फिर उनको सीट अवेलेबल कराई जा रही है। तो यस 12 बजे यहाँ पे धमाल होने वाला है एंड दिस इज द अनदर पॉइंट। और अभी मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पीछे लाइक कुछ आई थिंक यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक अनदर सेलिब्रेशन हो रहा है और दिस इज अनदर। तो मे बी रात को अगर हमारे यहाँ पे प्लान होता है वापस आने का तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आज हम आए हैं टाइमलाइन कॉफ़ी और ये प्लेस वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस है और क्यों, बिकॉज इसका इंटीरियर से लेके एवरीथिंग लाइक आई जस्ट लव। तो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी ये टाइमलाइन कॉफ़ी कैफ़े। सो ये एक्चुअली 2 रूफ कैफ़े है और चलते हैं अंदर और ये कुछ इनसाइड का व्यू है। सो आप अंदर बैठ सकते हो, आराम से बाहर बैठ सकते हो। यस सो इट्स क्वाइट प्रीटी और बहुत ही कंफर्टेबल प्लेसेस हैं यहाँ पे बैठने के लिए। द यू नो कॉफ़ी जूसेस स्मूदी एवरीथिंग टेस्ट सो वेल ओवर हियर। तो ये है सेकेंड फ्लोर का व्यू और यहाँ पे आप नीचे भी पूरा देख सकते हो यहाँ से। और ये एक मैं पूरा एक आपको राउंड करके दिखाती हूँ और ये बेस्ट लाइक बेस्ट कैफे है, वन ऑफ माय फेवरेट कैफे। यहाँ पे आप आके लाइक बहुत आज स्पेंड कर सकते हो, आप अंदर बैठो बाहर बैठो। तो हम आ पहुँचे हैं अपने डिनर के लिए और आए हैं हम लेक व्यू डिनर करने। तो मैं आपको दिखाती हूँ लेक का भी व्यू जो कि सामने ही है और अभी हमने ऑर्डर अपना दे दिया है, बस आ जाए फिर। भूख तो बहुत ज़ोरों की लगी हुई है, भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई है हाँ, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने आज घूमा है पूरा। और अभी भी आई थिंक कि मैंने आपको जो लोकेशन दिखाया था वहाँ पे हम अभी वापस जाएंगे बिकॉज जो प्रोग्राम है वो डेट नाइट ही शुरू होना था वहाँ पे, तो हम वहाँ पे वापस जाएंगे और वो एरिया पूरा भरपूर क्राउडेड हो चुका है। तो एक बार हम लोग को सोचना पड़ेगा कि वहाँ पे वापस जाना है कि नहीं जाना है। फिलहाल तो इन्जॉय करने जा रहे हैं अपना डिनर और ठीक है बताते हैं हम आपको। आज हम डिनर करने वाले हैं यहाँ पे चॉप्स पे जो कि जस्ट लेक के सामने है। तो ये है लेक का व्यू। सो डिनर हम सामने कर रहे हैं और हमें ये व्यू मिल रहा है वहाँ से। और मैं यहाँ पे पहले भी आई हूँ, आपको मैंने वीडियो भी दिखाया था यहाँ का। सो ये जो पूरा लेक है आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, लाइक यहाँ पे कैफेज़ है, रेस्टोरेंट्स है, तो आप ये सारा दिन स्पेंड कर सकते हो और एक सुबह से लेकर लाइक रात तक यहाँ पे बहुत हलचल मची रहती है। आप आओ यहाँ पे और कैफेज़ में बैठो, डिनर करो, लंच करो या फिर ऐसे भी स्टेयर्स पे बैठ जाओ और ये बहुत 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 ब्यूटीफुल लगता है, चाहे आप मॉर्निंग में आओ चाहे आप इवनिंग में आ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो फिलहाल हम अपना डिनर इसी व्यू के साथ एंजॉय करने वाले हैं। और यहाँ बैठे हैं ब्राउनी और सूरज, और ब्राउनी भी बेचारी घूम घूम के थक गई थी। अभी ब्राउनी को मैंने अपना कोट पहनाया है, उसको ठंड लग रही थी, अभी उसको भूख लगी है, तो शी इज एंजॉइंग फ्रेंच फ्राई और फ्रेंच फ्राई खा के भी वो वापस से सोने वाली है क्योंकि वो भी बहुत थक गई है। तो सूरज उसको खिला रहा है और वो देखो अब कैसे खा रही है, मतलब अभी उसको कितनी भूख लगी है, इतनी वो थक गई है, तो वो बस खाएगी और खा के सो जाएगी और बाकी फिर हम लोग अपना डिनर यहाँ पे इंजॉय करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आया है हमारा कॉर्न एंड फ्रेंच फ्राइज आया है और बाकी की चीज़ें आ रही हैं। इन कोर्स इज ऑल्सो हियर और सूरज बहुत इंजॉय कर रहे हैं, कर रहे हो। चीयर्स, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू। मेरा भी है भाई, तेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है?
ये है यहाँ पे हमारा डिनर कंप्लीट और ब्राउनी भी सो के उठ चुकी है। तो अभी हमारा प्लान ऐसा है कि पहले हम घर जाएंगे ब्राउनी को छोड़ के वहाँ पे, बिकॉज जो जिस एरिया में हमें भी जाना है हॉर्न की एरिया में, मैंने आपको शाम को वो एरिया दिखाया था, वहाँ पे लाइक अभी तो ओवर क्राउडेड हो चुका होगा, तो इसलिए हमें ठीक नहीं लग रहा है कि हम ब्राउनी को लेके जाएं वहाँ पे। तो अभी हम ऐसे ही प्लान कर रहे हैं कि पहले हम घर जाएंगे, ब्राउनी को वहाँ पे ड्रॉप करेंगे एंड देन फिर हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हमें 12 बजे वाला सेलिब्रेशन देखना है वहाँ पे। सो इसलिए अभी हम हमारा यही प्लान है कि अभी हम घर जा रहे हैं यहाँ से। तो हम लोग आ गए हैं घर वापस और ब्राउनी को छोड़ दिए हैं, ब्राउनी अब घर पे, और ऑलरेडी 11:30 बज चुका है और बहुत रश था रास्ते में, इसलिए हम लोग को भी आने में थोड़ी लेट हो गई। बट अभी हम फिर से जा रहे हैं वापस, हमें 15 मिनट्स लगेगा वहाँ पे, तो जा रहे हैं, तो हम उसी एरिया में जा रहे हैं और फिर मिलते हैं आपसे। और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, सो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल। गुड नाइट एवरीवन।